अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस्टर एंड मिसेस फूड ब्लॉग चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी फ्रेंड्स, आज फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। तो हमारे इस वीडियो को देखने से पहले लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुए हैं न्यू रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हमने लिए हैं 300 ग्राम गाजर, 2 अदद आलू, 2 अदद शिमला मिर्चे, 3 टमाटर, हरी मिर्चे। तो दोस्तों, ये हमने क्यूब स्टाइल में हमने चिकन लिए 200 ग्राम, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून काली मिर्चे, 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, नमक हसबे जायका। तो हम गाजरों कट कर लेते हैं। तो गाजरों की कटिंग के बाद हम आएंगे आलूओं की तरफ। अब आलूओं को कट कर लेंगे। अब आते हैं टमाटरों की तरफ। तो टमाटर कट कर लिए हैं, अब हम लेंगे शिमला मिर्च की तरफ। हमारी शिमला मिर्च भी कट गई है। तो जी दोस्तों, सब्जियां हमारी कट चुकी हैं, अब हम आते हैं फ्राई की तरफ। ऑयल डालेंगे 1/2 कप। तेल गरम हो चुका है, हम गाजरों को फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाह। गाजरें हमारी फ्राई हो चुकी हैं, अब हम इसको बॉल में निकाल लेंगे गाजरों को। तो दोस्तों, हमने गाजरें निकाल दी हैं, अब आलू को फ्राई कर लेंगे हम। आपने इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है, इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है आपको आलू को। हमारे आलू हल्के हल्के से रेडिश बन के आ चुके हैं, अब हम इसको बॉल में निकालेंगे। जी फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर शिमला मिर्च फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने इसको अलग अलग फ्राई करना है और आप लोगों ने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, 2 से 3 मिनट। जी फ्रेंड्स, अब हम इसको निकाल लेते हैं इसके बॉल में। हमने शिमला मिर्च निकाल लिया बॉल में, अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद अब हम अपनी चिकन डालते हैं
आपने इसको तब तक फ्राई करना है तब तक ये हल्की हल्की सी रेडिश पर नहीं आ जाए। चिकन निकालने के बाद हमने गाजरों को इसके अंदर डाल के एक कप पानी डाल के छोड़ देना है ताकि गाजरें गल जाए हमारी। ये हमने पानी डाल के इसको लोग को नॉर्मल से करके छोड़ देना है इसको ताकि हमारी गाजरें गल जाएं। तो हमारी गाजरें गल चुकी हैं। अब हम इसके बाद कर लेते हैं टमाटरों को ऐड। टमाटर को डाल के अब हम इसकी कर लेते हैं भुनाई। अच्छा, भुनाई के साथ साथ हम इसके अंदर मसाले कर लेंगे ऐड। फिर इसके बाद हमने चिकन ऐड कर दी। चिकन ऐड करने के बाद हमने इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। उसके बाद हम आलू ऐड कर देंगे। तो दोस्तों, आलू ऐड करने के बाद हम लोग को फ्लेम को स्लो करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। हमारे आलू भी गल चुके हैं, गाजरें भी गल चुकी हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे शिमला मिर्च। और ये हमने हरी मिर्चें भी ऐड कर दी इसमें। हमने चिली सॉस के 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करेंगे। टेबल स्पून सोया सॉस के ऐड कर दिए। वन टेबल स्पून सिरका। तो दोस्तों, हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्लेम को स्लो करके दम पे रख देंगे। जी फ्रेंड्स, हमारी डिश रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसको करेंगे डिश आउट। तो हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स वेजिटेबल रेडी है और आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ये। और माशाल्लाह खाने में भी बहुत डिलीशियस है। इसका टेस्ट, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। तो आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको और हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। हमारे इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलिएगा। मिस्टर एंड मिसेस नौफल बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।